अपने जिले की हर एक खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को। नमस्कार, हजारिया टाइम्स न्यूज ललितपुर में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जैसा कि आपको बताते चलें कि ललितपुर जिले की थाना बार अंतर्गत बसत गुआ गांव में एक गर्भवती महिला के साथ उसे अकेला पाकर गाँव के ही दो युवकों ने उसके साथ बलात्कार का प्रयास किया और गर्भवती महिला के साथ मारपीट की, जिससे महिला को गंभीर चोटें आईं एवं महिला के चिल्लाने पर परिजन जैसे ही उसे बचाने पहुंचे, जब तक आरोपी मौके से मकान की दीवार फांदकर भाग गए। इस पूरी घटना में गर्भवती महिला घायल हो गई, जिसकी शिकायत परिजनों ने थाना बार में की, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मामले को दर्ज करते हुए महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। आखिर इस पूरी घटना को लेकर गर्भवती महिला और उसकी सास एवं ससुर का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ललितपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। मैं रख दिया, हमने खा लिया और फिर हम सो गए, हमको पता भी नहीं। हमारे पति चले रहे थे दूर रखाने के लिए और जेठ भी नहीं आती, ना जिठानी आती, ना मम्मी आती, ना पापा आते, कोई नहीं था, अकेले थे हम। प्रमोद और दीपचंद गला पकड़ा सीधा, उल्टा सीधा काम भी किया, हमने आवाज़ लगाई थी और दो एक पहले एक हाथ से पकड़ा था फिर दूसरे हाथ से पकड़ लिया, तो थोड़ी हमारी जिठानी के लिए और मम्मी के लिए थोड़ी आवाज़ गई, तो बाहर निकली छत पर, उन्होंने आवाज़ सुनी और जिठानी को गई, से सास दौड़ी और जिठानी दौड़ी, ये बोली कि कौन है कौन है, तो हम बोल नहीं पाए, तो हमने ये खास उसका हाथ ताना, तो हमारा रहे तो मंगल सूत्र तान के और दीवार पर उन खून के उभार गया। उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट भी की है जी। हमारे जो है हर खेत पे गए थे, जो घर थी कि नहीं, और जो है कुआ पर ढोर बची हुई करके जो है बहू अकेली सो रही थी मकान पर, तो दो लोग आए जो है, उन लोगों ने गलत काम का प्रयास किया, हल्ला हुआ, इसके बाद कौन पहुंचा बचाने? वहां पहुंचे उनकी ससुर पहुंची सास, और जो है बड़ी बहू जिठानी पहुंची, तो उन लोगों ने बचाया, उन लोगों ने बचाया, बचाया के बाद जो लोग थे भाग गए, गाँव के दो लोग थे प्रमोद दीपचंद।